बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया, दोबारा पूर्ण बहुमत से जीत का दावा किया। पीएम मोदी ने कहा, पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत कर आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, उनके उत्साह और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, ये पहला ऐसा चुनाव है जहां विपक्ष की ओर से महंगाई और भ्रष्टाचार चुनाव के मुद्दे नहीं थे। एसपी बीएसपी गठबंधन पर शाह का निशाना, अब वो समय चला गया है कि दो नेता दिल्ली में हाथ मिलाएंगे और वोटर उनके पीछे चला जाएगा। शाह ने कहा, बीजेपी ने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी, हम इस चुनाव को 50% का चुनाव मानकर चले हैं। विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेताओं पर बोले शाह, कहा पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, 10 दिन में जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए शाह ने ममता को ठहराया जिम्मेदार, कहा बंगाल में बीजेपी के 80 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 23 मई को पता चल जाएगा कि आखिर जनता क्या चाहती है। राहुल गांधी ने किया बीजेपी की हार का दावा, कहा हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। शेयर बाजार में बहर, सेंसेक्स 537 अंकों की तेजी के साथ 37,930 पर बंद, निफ्टी 150 अंक उछलकर 11,400 के पार। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थमा, 19 मई को 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13, मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। पीएम मोदी का साध्वी प्रज्ञा के बयान पर जवाब, साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली है लेकिन मैं उन्हें कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट से विवाद में गिरी अनिल सौमित्र पर गाज, पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से किया सस्पेंड, 7 दिन में देना होगा जवाब। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे पर दिए बयान की कांग्रेस नेता गोविंद गोयल ने चुनाव आयोग में की शिकायत, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग। शारदा चिट फंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कोयम्बटूर वायुसैनिक अड्डे से उड़ाया लड़ाकू विमान MiG-21। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को ब्लैकमेल करने के मामले में नोएडा पुलिस ने समाज सेविका उषा ठाकुर को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा में 5 लाख का इनामी नक्सली हेमला उर्फ बदरू गिरफ्तार, बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या की वारदात में था शामिल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, आरोपियों ने पीड़ित की पत्नी को भी पीटा। खूंटी के कोचांग गैंगरेप केस में सजा का ऐलान, फादर अल्फांसो समेत 6 आरोपियों को उम्र कैद, 5 युवतियों को स्कूल से अगवा कर किया था सामूहिक दुष्कर्म। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ACB की बड़ी कार्रवाई, जैन को 5,500 रुपये घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में हाई प्रोफाइल ड्रामा, इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक को पत्नी और ससुराल वालों ने जमकर पीटा। यूपी के प्रयागराज में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान के भाई पर जानलेवा हमला, बाइक सवार 2 युवकों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती कराया। चिटफंड कंपनियों पर सख्त हुई छत्तीसगढ़ सरकार, ADG ने ली पुलिस अफसरों की बैठक। हिमाचल प्रदेश के ऊना में गैंगवार की वारदात का लाइव वीडियो आया सामने, नशे के कारोबार के पैसे को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों के साथ रैगिंग की वारदात, 5 छात्रों पर जूनियर छात्रों से मारपीट करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकी मारे गए, एक और जवान शहीद, भारी मात्रा में मिले हथियार। श्रीनगर और अवंतीपुरा एयरबेस को जैश के आतंकी बना सकते हैं निशाना, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद बढ़ाई गई एयरबेस की सुरक्षा। अप्रैल महीने में भी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था, आतंकी संगठन जैश से जुड़े आतंकियों द्वारा वारदात की तैयारियों को लेकर सूचना मिली थी। गुवाहाटी के ग्रेनेड ब्लास्ट केस में असमिया एक्ट्रेस जानवी सैकिया गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन उल्फा से जुड़े होने का शक, पुलिस की छापेमारी में एक घर में मिले हथियार।
केरल के कोची में एक दिन के बच्चे के दिल का सफल ऑपरेशन, शरीर के सही भागों तक खून की सप्लाई नहीं कर रहा था दिल। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पानी की कमी से जूझ रहे हैं 210 गांव, सरकारी टैंकर के आने का रहता है दिन भर इंतजार। कैलाश मानसरोवर के संरक्षण की दिशा में बड़ी कामयाबी, चीन और नेपाल भी आए साथ, यूनेस्को को कैलाश भू क्षेत्र को विश्व धरोहर दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव। उत्तराखंड की 22 वर्षीय शीतल ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, करीब 15 मिनट तक माउंट एवरेस्ट पर बिताया वक्त, 3 दिन में हासिल की उपलब्धि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बार बार सफाई के बाद भी 10 रुपए के सिक्के लेने से इनकार किया जा रहा है, मणिपुर में व्यापारी 10 रुपए का सिक्का नहीं ले रहे। अमृतसर से पत्नी को टिकट नहीं मिलने पर सिद्धू और कैप्टन में खींचतान तेज, अमरिंदर पर पत्नी के आरोप पर सिद्धू ने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी। किताब से जौहर का फोटो हटाने पर अपनों से घिरे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खाचरियास बोले स्टडी करें जौहर सती प्रथा में अंतर। 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए हरदा कलेक्टर का एक नया प्रयोग, मतगणना के लिए 100% महिलाओं को कमान सौंपी। महाराष्ट्र के ठाणे से हाथी के दांत और बाघ चीते के खाल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज। अमरोहा में झोला छाप डॉक्टर ने छीनी मासूम की जिंदगी, प्राइवेट क्लिनिक पर महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की गर्दन हुई अलग, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक मंदिर के महंत को बदमाशों ने जिंदा जलाया, हालत गंभीर, 2 दिन पहले भी चाकू से जानलेवा हमला हुआ था। उत्तराखंड के कई जिलों में आज तेज आंधी और ओलावृष्टि की मौसम विभाग ने जताई आशंका, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में गिर सकते हैं ओले। शिक्षा के मामले में पिछड़ा छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय स्तर पर जारी परफॉर्मेंस रेटिंग में मिला 3rd ग्रेड, शिक्षा गुणवत्ता में 18वां और बुनियादी सुविधाओं में मिला 10वां स्थान। त्रिपुरा के एक गांव में जमीन के नीचे से गर्म लावा जैसा पदार्थ दिखने से सनसनी इलाके में हड़कंप के बाद राज्य सरकार को जानकारी दी गई। अमेरिका के टेक्सास में अचानक बांध टूटा, नदी पर बने 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को बंद करना पड़ा। चीन के शंघाई शहर में निर्माण के दौरान इमारत गिरी, हादसे में 5 लोगों की मौत, मकान में फंसे 14 लोग निकाले गए। ब्राजील में शादी समारोह में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, मौके से भागकर लोगों ने बचाई जान। दुबई में छोटा प्लेन क्रैश, हादसे में 3 ब्रिटिश और 1 साउथ अफ्रीका के नागरिक की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की नई इमिग्रेशन नीति, नई नीति में पारिवारिक रिश्ते नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर मिलेगा अमेरिका का वीजा। में भारी प्रदूषण, शहर के आसपास के स्कूलों को बंद करने का आदेश, 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 11 साल की सनी पवार ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में कमाया नाम, जीता बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड, फिल्म चिप्पा के लिए जीता अवार्ड। पाकिस्तानी रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के आगे घुटने टेकते हुए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 147 तक गिरा। ताइवानी संसद ने समलैंगिक शादी को मान्यता दे दी है, लंबे समय से यहां समलैंगिक शादी को मंजूरी न देने पर विरोध चल रहा था। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फिल्म निर्माता एकता कपूर ने शुभकामनाएं दी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से मैदान में उतर रही हैं स्मृति। अजय देवगन और तप्पू स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे आज हुई रिलीज, देर रात मुंबई में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, रोमांटिक कॉमेडी देखने पहुंचे सितारे। 5 जून को चीन में रिलीज होगी ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल, 15,000 स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज करने की तैयारी। एक बार फिर छोटे पर्दे पर साथ नजर आएगी सीआईटी की स्टार कास्ट, पुलिस पर आधारित नए शो के लिए सभी स्टार साथ आए।